11 हलकों में इंतखाबात के बाद 237 नशिस्तों पर नताइज मुकम्मल। कराची का बल्दियाती अमल मुकम्मल होने में मजीद कई माह लग सकते हैं, जबकि 9 नशिस्तों के नताइज हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ने रोक रखे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे लियाकत तराना से। लियाकत, 237 नशिस्तों पर नताइज के बाद क्या सूरत हाल बनती है? देखें, जो 237 हलकों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अब तक रिजल्ट आए हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है और उन्होंने 97 नशस्तें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की हासिल की हैं, जबकि जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर रही है, उन्होंने 86 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 42 नशस्तें हासिल की और तहरीक इंसाफ को 11 ज़िमनी जो इलेक्शन हुए हैं अभी दो रोज़ पहले, उसमें किसी नशस्त पर कामयाबी नहीं मिली। नून लीग की 7 हैं, JUI की 3, TLP की 1 और आज़ाद उम्मीदवार भी 1 है। 237 नशस्तों के रिजल्ट अब तक अनाउंस हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 20 से 25 तारीख के दरमियान जो 11 नशस्तों पर अब इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आने का इम्कान है। और उसके बाद 9 नशस्तें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, उनके नतज के बाद मखसूस नशस्तों पर इलेक्शन होंगे और कराची का जो ईवान है वो बल्दियाती ईवान 368 सीटों पर मुश्तमिल है। जब 346 सीटें मुकम्मल हो जाएंगी कराची की, तो उसके बाद खवातीन की 33% मखसूस नशस्तों पर इंतखाब होगा, लेबर की 10% नशस्तों का इंतखाब होगा, यूथ की 10, मिनोरिटी की 10, ख्वाजा सरा 1 और माजूर का जो मखसूस कोटा है उसमें भी एक एक नशिस्त का इंतखाब किया जाएगा। 368 का जब ये ऐवान मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद मेयर और डिप्टी मेयर का जो इंतखाब होगा वो तय होगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर ज़रूर उभरी है, लेकिन उसके लिए अकेले चेयरमैनशिप मेयरशिप की नशिस्त हासिल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और JUI को मिलाने के बाद भी उसको 20 से 22 मखसूस नशस्तों की मजीद नशस्तों की जरूरत होगी। क्योंकि एक राना हमारे साथ मौजूद थे।